हेलो, कोलेश्वर जूनियर सीबीएसई स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट सिखाने वाली हूँ, क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर फर्स्ट। फर्स्ट लेक्चर में हमें लेना है क्रिएटिंग एमएस वर्ड। उसमें क्या क्या है तो आपको इस वीडियो के द्वारा पूरा एक्सप्लेन किया है। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर, क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर। उसमें हमें देखना है एमएस वर्ड के बारे में। हमें एमएस वर्ड में फर्स्ट में देखना है इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस। वर्ड प्रोसेसर, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, गेटिंग स्टार्टेड विद एमएस वर्ड 2010, टूल बार्स, एमएस वर्ड फाइल ऑपरेशन। हमें ये पूरे देखना है एमएस वर्ड में। फर्स्ट में हमें क्या करना है, एमएस वर्ड में क्या है वो हमें जान लेना है। बिफोर वी गेट नाउ अबाउट एमएस वर्ड, लेट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पैकेज विच कंपेयर्स एमएस वर्ड। एमएस ऑफिस इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। ऑल दिस प्रोग्राम्स पुट टुगेदर इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर सर। ऑल द प्रोग्राम्स आर डिजाइंड इन अ सिमिलर वे, देयरफॉर बाय लर्निंग वन प्रोग्राम इट इज अ वेरी इजी टू वर्क विद द अदर प्रोग्राम्स। हाँ, यहाँ पे वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, अलग अलग टाइप के वर्जन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2000 का एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2007। हमें यूज करना है एमएस ऑफिस 2007, लेकिन हमें बुक में एमएस ऑफिस 2010 का वर्जन दिया है। हमारे पास जो वर्जन होगा हाँ वो यूज करने वाले, ये वर्जन है एमएस ऑफिस का 2007 का। तो हमें एमएस प्रोसेसर मतलब एमएस वर्ड में क्या है वो पूरी जान लेना। तो एमएस वर्ड प्रोसेसर, टू बिगिन विथ लेट अंडरस्टैंड अ वर्ड प्रोसेसर। फर्स्ट में हमें एमएस ऑफिस के बारे में जान लिया। एमएस ऑफिस एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अलग अलग उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। ऑल दिस मतलब हमें अलग अलग प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बनाए वो हमें यूज करना है, और वो वर्क करने के लिए इजी प्रोग्राम है, हम इजीली उस पर वर्क कर सकते हैं। हमें उसमें वर्क क्या करना है और क्या कर सकते हैं वो भी हमें देखना है। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, वर्ड प्रोसेसर में इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट अनेबल्स यू टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट एंड सेव डॉक्यूमेंट। हम एमएस वर्ड में इस सॉफ्टवेयर पैकेज में क्रिएट कर सकते, एडिट कर सकते, प्रिंट कर सकते, पेंट कर सकते, सेव कर सकते डॉक्यूमेंट्स। फीचर्स यूज एंड रेफरेंस, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट्स इन ऑल, टाइपिंग यूजिंग अ कीबोर्ड्स। हम जब कीबोर्ड से टाइपिंग करते समय डॉक्यूमेंट्स हमारे डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाते हैं। सो अ टच स्क्रीन एंड शॉर्टिंग इन एडिट अ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स। हम यहाँ एमएस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक भी देख सकते हैं। इफ एनी, डिलीटिंग एंड मूविंग डाटा सेटिंग्स और पैराग्राफ। वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड टू क्रिएट पर्सनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर एंड रिपोर्ट। द फुल फॉर्म ऑफ एमएस वर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फुल फॉर्म क्या है एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एज इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। किसमें एमएस वर्ड डेवलप किए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो उसमें हमें फंक्शंस ऑफ एमएस वर्ड देखना है। द बेसिक फंक्शंस ऑफ एमएस वर्ड इंक्लूड टू टाइप टेक्स्ट। हाँ, वहां पे टेक्स्ट टाइप कर सकते, एडिट अ डॉक्यूमेंट्स कर सकते, पेंट अ डॉक्यूमेंट्स कर सकते, सेव डॉक्यूमेंट्स कर सकते, ओपन अ डॉक्यूमेंट्स कर सकते। देर आर मेनी सॉफ्टवेयर पैकेज टू डू अ जॉब ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अलग अलग टाइप के यहाँ पे जॉब्स है वो हमें यूज कर सकते हैं। उस हमें वर्ड प्रोसेसर में वर्ड एमएस वर्ड में और एक देखना, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। Some of the important features of MS Word are listed as the follow. So, first thing, using Word, you can create a document and edit it later as
the when required by adding more text, modifying the existing text or deleting movies, some part of it. Changing the size of margin can reform the entire document or a part of the text. तो इससे पहले हमें फीचर देखने से पहले हमें एमएस वर्ड ओपन कैसे करना है ये जान लेना है। तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कैसे करना है, यू कैन स्टार्ट द एमएस वर्ड इन द फॉलोइंग वे। ओके, तो अभी जैसे बुक में बताया वैसे ही फॉलो करना है, नहीं तो आपको जो आता है तो आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमें बुक में बताया क्लिक द स्टार्ट बटन, फर्स्ट में हमें एमएस वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स में एम टाइप करना है। एम टाइप करने के बाद वहाँ पे एमएस वर्ड ऑफिस एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का वर्जन आ गया। हमारे कंप्यूटर में 2007 का वर्जन है तो हम 2007 का वर्जन यूज करेंगे। तो हम वहाँ पे क्लिक करने के बाद 2007 का वर्जन एमएस ऑफिस वर्ड ओपन हो गया। तो नेक्स्ट में हमें देखना है यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। अ सेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्टिंग फॉर एमआर डिस्प्ले, चूज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 एंड अंडर द क्लो चूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का वर्जन हम देखने वाले ना कि 10 का, क्योंकि हमारे पास वर्जन 7 का ही है तो हम 7 का ही वर्जन देखेंगे। इसमें क्या वर्ड में क्या कर सकते हैं, हमने पहले दो ऑप्शन ले लिए थे, अब तीसरा मतलब वहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया कोलेश्वर, कोलेश्वर, तो कोलेश्वर के बारे में हमें एक कोलेश्वर वर्ड का साइज और स्टाइल चेंज करना है। तो मैं इसकी फॉन्ट साइज चेंज कर दूंगी, 36 है, मैंने यहाँ पे उसकी फॉन्ट साइज चेंज कर दी, उसे अलग अलग स्टाइल दूंगी, मतलब उसे अलग स्टाइल दूंगी, वो अच्छे से अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम उसे अलग साइज और उसका नंबर चेंज कर सकते हैं। उसे कलर भी दे सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, इसे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक, रेड कलर है तो रेड आ जाएगा, दूसरे लेना है तो अलग अलग यहाँ पे कलर आ जाएंगे। ओके, ये हो गया फॉन्ट साइज। यहाँ पे हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर ले सकते हैं, फुटर हेडर ले सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे पूरा नेक्स्ट टाइम जो अभी हम क्रिएट करना सीख लिया, हमें यहाँ पे फीचर्स है एमएस वर्ड के, वो हमने एक्सप्लेन कर दिए क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हमें नेक्स्ट में क्रिएट करने के बाद उसमें जो विंडोज ओपन हो गया है एमएस वर्ड का उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। एमएस वर्ड में ऊपर जो है वो टैब्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टैब्स मतलब क्या, रिबन, टूल बार, रूल, हेल्प, स्टेटस बार, डॉक्यूमेंट्स एरिया, व्यू बटन, जूम कंट्रोल, ये क्या है इसके बारे में हम जानकारी कल नेक्स्ट के लेक्चर में ले लेंगे। आपको तब तक एमएस वर्ड ओपन कैसे किया वो आपको देखना है और अच्छे से घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तो उस पे प्रैक्टिकली करना है, और आपको रीडिंग करनी है, रेगुलर यूनिट की रीडिंग करनी है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, बता सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।